नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिसके ऊपर बैठा हूँ ये है एक हीटिंग मैट जो कि बॉडी पेन के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्रॉनिक बॉडी पेन जैसे कि फाइब्रोमेलजिया या फिर आप अगर आपको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सर्दी के मौसम के आते ही आपका शरीर में दर्द स्टार्ट हो जाता होगा, या फिर यूँ ही अगर आप को ऑफिस में काम करते करते भी बॉडी का पेन हो गया है, तो इन सब चीज़ के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास जो आज ये हीटिंग मैट है ये एगैरो कंपनी की तरफ से है और आप देख सकते हैं इसका लंबाई जो है लगभग 6 फीट का है और इसका चौड़ाई लगभग 3 फीट का है और बहुत ही वेल बिल्ट है ये मैट। और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टोन्स जड़े हुए हैं, ये जेम स्टोन्स हैं जिसको टू बी स्पेसिफिक जेड स्टोन्स बोलते हैं और इस मैट में लगभग 1092 स्टोन्स जड़े हुए हैं। तो ये एक हीटिंग मैट है जिससे फार इंफ्रारेड रेज निकलता है, जो कि सूरज की रोशनी में जो गर्मी होती है उसी प्रकार का गर्मी ये मैट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत रिलैक्स मिलता है। बॉडी पेन को रिलैक्स होने में, मसल्स में अगर अकड़न आ गया है, ऐंठन आ गया है, आपके पूरा बॉडी में हल्का हल्का स्पाज़म जैसा हो गया है, तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये मशीन किस तरह से काम करता है, ये हीटिंग मैट देखिए, ये एक्चुअली एक हीटिंग मैट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसका यहाँ पे प्लग है, देखिए यहाँ से हम इसे प्लग इन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसमें से एक फार इंफ्रारेड रेज निकलता है। और इसमें जो जेम स्टोन्स है, ये जो जेड स्टोन्स है, इसमें से नेगेटिव आयन्स निकलता है। तो नेगेटिव आयन्स जब निकलता है हमारे शरीर से टकराता है, हमारे शरीर में पॉजिटिव आयन के साथ ये रिएक्ट करता है और हमारे शरीर को ये रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसमें से जो फार इंफ्रारेड रेज की वजह से जो ऊष्मा प्रोड्यूस होता है, एक कम्फर्टेबल वार्म्थ प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे शरीर में मसल्स को रिलैक्स करने में बहुत उपयोगी होता है। कैसे, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे जितने भी मांसपेशियाँ है उसको रिलैक्स कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो हमारे मांसपेशियाँ भी रिलैक्स होगा, मांसपेशियाँ रिलैक्स होगा तो हमारा जो जो बॉडी में जो स्ट्रेस है, बॉडी में जो पेन है वो भी धीरे 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 कम होने लगता है। देखिए इतना लंबा है कि इसे मैं इसे सो करके भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रात में आप सोने के लिए इस तरह से इसके ऊपर में आप सो भी सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने से ठीक पिछले रात मैं इसको मैंने खुद ही आजमाया और बहुत ही वाकई में इसमें एक कंफर्टेबल वार्थ निकलता है जो कि रात भर आपको ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। रात भर आपको ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा और आपको शरीर में कोई पेन है, जकड़न है, वो सब आपका ये रिलैक्स कर देगा। तो इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए ये एक इसका इलेक्ट्रिक प्लग है जिसमें हमें एक अडाप्टर को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसका अडाप्टर है, इसे हम यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका दूसरा एंड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्लग में लगा देना है, देखिए मैंने प्लग में लगा दिया है। और फिर जब आप इसे ऑन करेंगे, ये देखिए ये ऑन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए टाइम सेट करने का है, 3 hours, 6 hours एंड 12 hours। तो मान लीजिए आपको रात भर इसके ऊपर सोना है तो आप 12 hours चूज़ करेंगे, या फिर मान लीजिए आप 6 घंटे के लिए सोना चाहते हैं तो आप 6 hours इस्तेमाल करेंगे, या फिर मान लीजिए आप इसके ऊपर बैठ करके आप टीवी देख रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि आपको सोना नहीं है, जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, ऑफिस से आप आए 2-3 घंटा आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो आप 3 घंटा आप इसमें 3 hours चूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 hours चूज़ किया। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताता हूँ कि चूँकि मैं इसे कल रात में इस्तेमाल किया था रात में सोते समय, तो मैं ये 12 hour इस्तेमाल करूँगा। फिर इसका टेम्परेचर यहाँ पर, ये जो डायल है इससे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसके मैनुअल के अनुसार, देखिए इसके साथ एक मैनुअल मिला है, इसके मैनुअल के अनुसार अगर आपको ओवरनाइट यानी कि रात भर इसमें सोना है तो जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो 35-40 degrees Celsius है। उसके बाद अगर आपको 2 घंटे से कम इसका इस्तेमाल करना है
तो 45 से 55 डिग्री सेल्सियस आप इसमें सेटिंग करेंगे और 30 से 90 मिनट यानी कि आधा घंटा से एक घंटा अगर आप आधा घंटा से डेढ़ घंटा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 55 से 65 डिग्री 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप आधा घंटा से एक घंटा के बीच में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं, इसमें आप बैठे और किताब पढ़ करके आप इसको इस्तेमाल करें, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका बॉडी में रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 65 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये जो स्टोन्स में से जो नेगेटिव आयन्स हैं वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वो और ज़्यादा काम करेगा, कम समय में ज़्यादा काम करेगा। ये जो टेम्परेचर है आप इसी डायल से आप सेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं डायल को इस तरफ घुमाता हूँ तो टेम्परेचर इससे इंक्रीज़ होता है, और अगर मैं इस तरफ घुमाता हूँ तो टेम्परेचर इससे रिड्यूस होता है। तो ये सब होने के बाद इस पर आप डायरेक्टली ना सोएं, ठीक है। इस पर आपको डायरेक्टली नहीं सोना है। अगर मान लीजिए दो घंटे के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा घंटा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली बैठ सकते हैं। मगर अगर आपको रात भर सोना है तो इसके ऊपर में एक बेडशीट आपको बिछा देना है। तो मान लीजिए ये एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है, इसको इस तरह से लगा करके, ठीक है, फिर इसके ऊपर आप तकिया लगा करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए। तो और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी मेटैलिक चीज़ ना पहने। मेटैलिक चीज़ हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी को अपने तरफ खींचे, चूड़ी हो गया, आपका नेकलेस हो गया, कान का हो गया, महिलाओं के लिए वो आप वो सब निकाल दें इसको इस्तेमाल करते समय। और कोई भी शार्प चीज़ नहीं रहो आपके शरीर में। इससे एक और चीज़ हो सकता है, चांसेस है कि आपका ये जो जेम स्टोन है वो शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से वो निकल जाए। तो अगर ये निकल भी जाता है, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि एक दो जेमस्टोन निकल भी जाए, तो इसके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलिकॉन बेस्ड ग्लू लें और इसको आप दोबारा से चिपका सकते हैं। तो अब मुझे मान लीजिए इसमें रात भर सोना है, तो मैं यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 12 आवर्स टाइमिंग मैंने फिक्स कर दिया और उसके बाद मैं तकिया लगा करके इसके ऊपर मैं एक बेडशीट बिछाना है। बेडशीट लगा करके मैं बस एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। बेडशीट लगा करके आपको बस ऐसे सो जाना है। इससे शरीर में जितना भी गर्मी निकलेगा, जितना भी ऊष्मा निकलेगा, शरीर से इंट्रैक्ट होगा और आपको एक रिलैक्स महसूस होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये प्रोडक्ट इफेक्टिव लगा होगा। ये काफ़ी मोटा है और इसमें एक ख़ास बात यह है कि आप इसको फोल्ड करके इस तरह से फिर इसके साथ एक बैग भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बैग में इसे आप पैक करके कहीं भी इसे ले सकते हैं। थोड़ा सा ये भारी ज़रूर है, इसको कैरी करना थोड़ा सा भारी है। आपको जहाँ भी कैरी करना होगा आप थोड़ा सा देख समझ करके कैरी करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये हीटिंग मैट पसंद आया होगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। एक रात में ही मुझे काफ़ी सुबह में उठ करके तरोताज़ा महसूस हो रहा था। शरीर में जितने भी अकड़न थे काफ़ी से हद तक रिलैक्स मिला। अगर आपको ये पसंद आया है प्रोडक्ट तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एगारो कंपनी की तरफ से है, आप वहाँ पे जाकर किसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में ये पहुँच जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आप अपना राय दें, कमेंट दें कमेंट बॉक्स में। ऐसे हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। और पहली बार अगर आप हमारे वीडियो को ये देख रहे हैं, पहली बार आप हमारे वीडियो चैनल में हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।